पोर्टल ऑफ एंट्री ये जो ग्राम नेगेटिव रार्ड होते हैं बेसल है वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा जो है इंट्री ऑफ द पोर्टल वो यूज करते हैं जैसे कि ग्राम नेगेटिव बेसिलाो इंटेस्टैनल ट्रेक जी आई टी ट्रैक यूज़ करते हैं एक दूसरे ग्राम नेगेटिव बेसिलाटी ट्रेक यूज करते हैं एज अ पोर्टल ऑफ एंट्री थर्ड ग्राम नेगेटिव बेसिलाई ऑफ एनिमल ओरिजन वो एनिमल ओरिजन एज अ पोर्टल ऑफ एंट्री यूज़ करते हैं नंबर वन रिलेटेड टू द गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक यूटिलाइज द जी आई ट्रैक एज अ पोर्टल इंट्री वो कौन से होते हैं जो जी आई को एज अ पोर्टल एंट्री यूज करते हैं इट फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी ये भी तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं जैसे कि ग्राम नेगेटिव बेसिलाई काज डिजीज विद इन द इंटरक्ट ट्रैक यानी वो जो विद इन विदिन इंटरेक्ट्रैक में जो है डिजीज काज करवाते हैं और ग्राम नेगेटिव बेसिलई काज डिजीज विद इन आउटसाइड ऑफ द इंटरेक्ट्रेक यानी वो भी होते हैं जो विद इन एंड आउटसाइड ऑफ़ द इंटरेक्ट्रेक जी आई टी ट्रैक में जो इंफेक्शन डिजीज काज करवाते हैं नंबर थ्री ग्राम नेगेटिव बेसिलाई काज डिजीज ओनली आउटसाइड ऑफ द इंटरेक्ट्रेक वो बेसिलाय ग्राम नेगेटिव बेसिला जो आउटसाइड ऑफ द है डिजीज काज करवाते हैं नंबर वन ग्राम नेगेटिव बेसेलाय विद इन इंटरक्ट्रेक वो ग्राम नेगेटिव जो इंटरेक्ट्रेक में जो है डिजीज काज करवा रहे हैं नंबर वन शेंजिला डायसेंट्री एंड सोनी सेंजिला डायसेंट्री एंड सोनी जो बैक्टीरिया होता है वो काज करवाता है इंटेरे इंटेरो कोलाइटिस इंटेरेकोलाइटिस जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो इनर लाइनिंग ऑफ दी कॉलन जो होता है उसमें इन्फ्लेमेशन काज होती है उसको इंटेरेकोलाइटिस कहते हैं डायसेंट्री डायसेंट्री काज करवाता है ये बैक्टीरिया डायरिया विद म्यूकस एंड ब्लड डायसेंट्री वो कंडीशन होती है जिसमें डायरिया भी होता है लेकिन डायरिया के साथ क्या होता है म्यूकस एंड ब्लड आता है उसको डायसेंट्री कहते हैं ये बैक्टीरिया काज करवाता है धैन विब्रियो कालरा विब्रियो कालरा जो बैक्टीरिया है वो कालरा काज करवाता है कालरा एक कंडीशन है जिसमें सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है अलॉन्ग विद नाजिया एंड वोमिटिंग वोमिटिंग भी होती है नाजिया भी होता है और उसके साथ से सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है ठीक उसी कंडीशन को हम कालरा कहते हैं और विब्रियो कालरा वो काज करवाता है कंपेलो बैक्टर जोजेनी वो जो कंपेलो बैक्टेरिय हमारा कर्सर आपको नजर आ रहा होगा जिजो ने ये बैक्टीरिया जो है वो करवाता है, कर है pylori, इसको भी कहते हैं। ये बहुत ही फेमस बैक्टेरिया है ये क्या काज करवाता है गेस्ट्राइटिस इनर लाइनिंग ऑफ दमेशन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ द

इन्फेक्शन ट्रेवलर डायरिया भी काज करवाता है ये एक कोला बैक्टीरिया ट्रेबलर डायरिया क्या होता है कि एबिडामिनल पेन एबडामिनल जो कैविटी होती है उसमें पेन होता है एंड लूज मोशन हो जाते हैं न्यूनटल मिनन्जाइटिस न्यूनटल जो आ, होते हैं उनमें मिनन्जाइटिस काज करवाता है मिनन्जाइटिस से जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड और जो है लेयर ऑफ़ द्रेन में ड्यूरिंग बर्थ फ्राम मदर जब वो न्यूनेटल पैदा होता है बर्थ के दौरान जो है ये मिनजाइटिस भी काज करवाता है एकोला बैक्टीरिया सालमोनीला टाइफाई ये भी बहुत ही फेमस बैक्टीरिया होता है सालमोनीला टाइफाईड ये क्या काज कर टाइफाइड टाइफॉइड फीवर टाइफाइड जो फीवर होता है टाइफाइड हो गया है भाई किसी को ये जो टाइफाइड होता है ये सालमोनीला टाइफी जो है

इंटरकोलाइटिस इंटरकोलाइटिस जियो जो मतलब कि ये जो कॉलन की इन्फ्लेमेशन भी करवाता है सेप्सिस एक फेटल कंडीशन काल करवाता है विद मेटास्टेटिक एप्सिस एप्सिस हम कहते हैं पस फॉर्मेशन को ठीक है ये मेटास्टेटिक एप्सिस काल करवाता है मेटास्टेटिक्स मींस के ये जो पस तो काल करवाता है और उसके साथ साथ ये पस जो है एक रीजन से दूसरे रीजन तक तो भी जो है फैलाता है स्प्रेड करवाता है ठीक है सालमोनीला इंटरिका देन ग्राम नेगेटिव बेसल है दैट कॉज डिजीज ओनली आउटसाइड ऑफ द इंटरेक्ट ट्रैक वो ग्राम नेगेटिव बेसल जो डिजीज काज करवाता है सिर्फ आउटसाइड ऑफ द इंटरेक्ट ट्रैक जैसे में फर्स्ट ऑल हमारा कर्सर आपको नजर आ रहा होगा ये केले बेसिला नमोनियाज कैलेबिस नमोनिया नोजो कॉमियल नमोनिया नोजो कॉमियल नमोनिया यानी हॉस्पिटल अक्वाइड नमोनिया काज करवाता है यूटीआई टी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करवाता है सेप्सिस फेटल कंडीशन काज करवाता है देन इंटर इंटेरोबेसिलाई जो होता है वो नोजोकोमियल नमूनियाम नमूनिया यानी हॉस्पिटल एक वार्ड नमूनिया काज करवाता है ठीक है और यूटीआई यूरिन ट्रैक इंफेक्शन सेप्सिस हाईली रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स ये जो बैक्टीरिया है हाईली रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स ठीक है देन प्रोटियस विलगेरस प्रोटियस मिराबिलिस ये जो यूटीआई एंड सेप्सिस काज करवाता है िन सीडोमिन एरोजोनोसा जो है वो ये भी बहुत ही जो है फेमस बैक्टीरिया है यूटीआई यूरिनरी यूरिनीट्रैक इन्फेक्शन जो काल कराता है वॉर्न इन्फेक्शन नोजोकोमियल इन्फेक्शन नोजोकोमियल इन्फेक्शन वो होते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कैसे के मतलब कि कोई भी जो आता है पेशेंट हॉस्पिटल में ठीक है उसमें उसको तो वो, पहले वो इन्फेक्शन नहीं होता ठीक है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ पहले था नई हॉस्पिटल के पहले नई हॉस्पिटल के बाद लेकिन जब हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया फिर वो इन्फेक्शन उसको जो हो गया वो पर्टिकुलर इन्फेक्शन हो गया उसी को हम कोमिल इन्फेक्शन कहते हैं यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं ठीक तो है तो ये जो बैक्टीरिया है सीडोमिनाज एरोजिनोसा जो है यूटीआई वॉन इन्फेक्शन और नोजोकोमियल इन्फेक्शन हॉस्पिटल भी स्पेशली इन बर्न पेशेंट जो जल जाते हैं पेशेंट तो उसी को स्पेशली ये नोजोकोमल इन्फेक्शन काज करवाते हैं बैक्टेर बैक्टेराज पेरीटोनाइटिस पेरीटोनाइटिस एक कंडीशन होती है जो पेरीटिनल मेम्रेन जो होती है एबडोम उसमें इन्फ्ले हो जाती है एबडोम एबडामिनल्किविटी में जो है पस पसफॉर्मेशन भी हो जाती है देन ग्राम नेगेटिव है रिलेटेड टू द ये वो ग्राम नेगेटिव बेसलाए होते हैं जो जोटरी ट्रेक में इन जो है इन्फेक्शन डिजीज काज करवाते हैं नंबर वन हम पढ़ेंगे हेमोफेलिस इन्फ्लुएंजा इसको एच इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं जो साइनोसाइटिस भी काज करवाते हैं ओटाइटिस मीडिया भी जो है काज करवाते हैं ओटाइटिस मीडिया जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है मिडल एयर uh, में नमोनिया काज करवाता है मेनजाइटिस काज करवाता है देन बॉडी टेला पार्टीस बॉडीला पार्ट्यूसिस जो होता है बैक्टीरिया जो है ओपिंग कफ पार्टियोसिस कफ जो है काज करवाता है देन लेजिनिला नेमोफिला लेजिनिला नेमोफिला जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करवाता है लेजूनियर डिजीज ले हो जाता है ठीक है एक, एक सिवियर कंडीशन का नमूनिया होता है ये करवाता है ओरिजिन अगर एनिमल ओरिजिन पे आते हैं तो नंबर वन आप ये हमारा कर्सर आपको नजर आ रहा होगा ब्र्यूसिलास स्विश ये बैक्टीरिया जो है ब्रोसिलस एंड जॉइंट पेन काज करवाता है ये बैक्टीरिया और उसके साथ साथ अंडल फीवर अंडल फीवर वो कंडीशन होती है जिसमें जो है फीवर आता है कभी तो फीवर बढ़ता है कभी तो कम होता है राइजिंग फॉलिंग फीवर होता है जस्ट लाइक वेव लाइक कंडीशन हो जाती है कभी जो है फीवर बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है तो उसी कंडीशन को एंडलेंट फीवर कहते हैं ये ब्रोसिला जो बैक्टीरिया वो कास करवाता है देन हैंसली, जो है कैट स्क्रेच डिजीज या कैट स्क्रेच डिजीज जो है कभी जो है कैट जो है आ, कट जाता है तो वो ये कंडीशन हो जाती है स्माल पिंपल्स लाइक रेस हो जाते हैं बॉडी में देन ये जो है टोलेमिया काज करवाता है टोलेमिया कंडीशन होती है साइट ऑफ बैक्टीरियल एक्सपोजर स्किन प्रोड्यूस जब ये टोलेमा हो जाता है तो बॉडी में क्या होता है जो बैक्टीरिया एक्सपोजर हो गया तो उसमें अल्सर लाइक जो है ना रेस हो जाते हैं स्किन पे देन यर्सिनिया पेस्टिस ये वो बोबोनिक एंड नमोनिक प्लेग प्लेक, प्लेक फॉर्मेशन करवाता है जनरलाइज लिम्फो डेनोमोपैथी लिम्फेडोनोपैथी जो होता है लिम्फ नोड यानी जो होता है क्या होता है कि ये लिम्फ नोड एबनॉर्मल होती है लिम्फ नोड जो साइज होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है ये, ये पेस्टी जो है बैक्टीरिया ये काज करवाता है then मल्टुसीडा पेस्टला मल्टुसीडा जो बैक्टीरिया होता है वो वॉर्न है इन्फ्लेमेशन काज करवाता है सॉफ्ट टिश्यू की ये जो पेस्टूरला मल्टोसाइडा बैक्टीरिया होता है धैन माइकोबैक्टीरिया ये बहुत ही फेमस जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो माइकोबैक्टीरिया होता है और फॉर्मेशन है, है, हो जाती है कलेक्शन कलेक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस मैक्रोफेजेस होते हैं उसकी कलेक्शन होता है उस सेल्स की कलेक्शन हो जाती है सराउंड uh, टिश्यूज उसी को हम कहते हैं ठीक है ये ट्यूबर क्लासेस में भी वो कंडीशन हो जाती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर स्पेशली काज करवाता है देन माइकोबैक्टीरियम लेप्राई माइकोबैक्टीरियम लेप्राई जो होता है लेप्रोसी डिजीज होता है वो काज करवाता है अपीयरेंस ऑफ द ग्रेन्युलोमा इसमें भी ग्रेन्युलोमास की जो है अपीयरेंस होती है देन स्पायरोचेट्स स्पायरोचेट्स बैक्टीरिया जो होते हैं ट्रेपोनिमा पैलिडियम

ये बोरिला बेडोफिलिजा लाइम डिजीज काज करवाता है जो जो क्या करवाता है ये कि स्किन इन्फेक्शन भी काज करवाते हैं और उसके साथ साथ पेरालाइज हो जाता है स्किन कभी तो एक साइड पेरालाइज हो जाता है फेस कभी या तो कभी एक, ए, ए, वन साइड और बोथ साइड कभी कभी बोथ साइड जो है पेरालाइज हो जाता है जो है फेस देन लेप्टो स्पेरिरा

कलर की जो डिस्चार्ज होता है ये फिशी कलर की होती है यूरिन बर्निंग करवाता है सेंसेशन विद फीवर सो आई होप लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको पढ़ना लाजमी होता है आगे आगे हम जो बढ़ेंगे तो एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स को पढ़ने के लिए समझने के लिए बैक्टीरिया जो पढ़ना लाजमी होता है क्योंकि जो हमारा एंटीबायोटिक्स है एंटीबायोटिक्स जो है स्पेशली बैक्टीरिया पे कवर करता है आ, कुछ हमारे जो है जो है एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियोसाइडल आते आते हैं, कुछ आते हैं, कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम आते हैं तो इसी हवाले से एंटीबायोटिक्स जो पढ़ने के लिए समझने से पहले हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया को पढ़ना लाजमी होता है इसी वाले से हमने बैक्टीरिया की स्टडी की सो आई होप के हमारा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा अगर कोई भी क्यूरी हो क्वेश्चन हो तो हमसे रहा कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर लिंक्डइन फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर सारे जो है लिंक्स प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो यूज करके हमसे रहा कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज